यार यहाँ देखो भाई कितनी ज्यादा बर्फ, मतलब जितने ऊपर जा रहे हैं ना उतनी ज्यादा बर्फ आ रही है। बर्फ ही बर्फ है यार। हुर्रे, होप सो बंदे ठीक हो यार। ओमनी जो है नीचे चली गई। तो यार गाइस सीन ऐसा है ना, मतलब बर्फ में गिर के मतलब पिछवाड़ा गीला हो गया। यहीं सो जाता हूँ थोड़ी देर। ये थ्री, ये हुर्रे। जितनी बार यहाँ आओ मतलब दिल नहीं भरता भाई कभी भी, उतनी अच्छी जगह लगती है मेरे को ये। आप लोग यहाँ से देख सकते हो, यहाँ से है 9 किलोमीटर विपराशर। 9 किलोमीटर का ट्रैक हमें पैदल ही करना पड़ेगा। तो आप लोग बने रहो व्लॉग में। अभी हमारे साथ कुछ भाई और भी जुड़ चुके हैं। एक तो मेरे सब्सक्राइबर ही है, तो ये अपने साथ हेलो भाई, हेलो कर दो सब। हेलो। तो अभी चल पड़े हम लोग। तो आ गया भाई, भाई आगे चले हैं। इनको अपने जूतों की टेंशन थी यार, 4 फुट बोल रहे थे कि ऊपर 4 फुट बर्फ है, बाकी देखते हैं क्या सीन है। देखो कितनी ज्यादा स्नो है यहाँ पे, और ये चेक करो हमारे भाई जी बर्फ का फुल ऑन एंजॉय करते हुए। इन पे मैंने बर्फ मारा, इनके सिर पे है देखो थोड़ा सा। ये देखो गाइस यार क्या व्यू है यहाँ पे। भाई ठीक हो, हमने बाइक नीचे लगा ली क्यों? हाँ नीचे में को पुलिस वाले अंकल का गुस्सा रहा था, बट नहीं ठीक हो, हमने नीचे लगा ली। अदरवाइज हम लोग मतलब ये जो यहाँ पे बर्फ गिरी है ना, इसको एंजॉय नहीं कर पाते। रुको, ये फुल ऑन एंजॉय करते हुए बर्फ को ये। तो अब यहाँ पे ज्यादा बर्फ नहीं है, ऊपर तो और ज्यादा होगी यार, फुल ऑन मजे। तो आप लोग बने रहो व्लॉग में यार। ओ भाई साहब फुल पावर। गाइस यहाँ पे देखो रोड की कंडीशन कितनी खराब है यार। ठीक हुआ बाइक के नीचे लगाई हमने, ये चेक करो आप लोग। ये देखो यहाँ से आए हम लोग, तो अभी हम लोग शॉर्ट रास्ते से जा रहे हैं, जो लेक के लिए शॉर्ट रास्ता है ये। ओ भाई साहब हुर्रे। थ्री, ये हुर्रे। फुल पावर, ये हुर्रे। पराशर आ गए हम। यहाँ देखो मेरे पैर देखो, कि यहाँ पे कोई नहीं चला है ना, तो ये देखना, ये देखो यहाँ पे कितनी ज्यादा बर्फ है। सो यार गाइस यहाँ पे एक सीन हो गया था, यहाँ पे अंकल आंटी आए थे, मतलब एक फैमिली आई थी ना, हमने सोचा कि यहाँ से ऊपर के लिए शॉर्टकट रास्ता है, बट वो तो यार यहाँ पे एंजॉय करने के लिए आए थे और हम लोग भी यहाँ आ गए, तो अब हमें रास्ते से ही जाना पड़ेगा। मतलब हम लोग रॉन्ग आ गए थे यहाँ से, तो हम लोगों ने भी परे फुल ऑन एंजॉय किया। अंकल आंटी तो यार यहाँ पे ऐसे स्नो में आए थे, पूरी फैमिली थी उनकी, तो अब चलते हैं, सड़क से ही जाना पड़ेगा यार। भाई मुझे तो बहुत ही अच्छा व्यू लग रहा है, आप लोग बताओ यार कमेंट करके। भाई ऐसा लग रहा है जैसे पता नहीं कहाँ आ गया मैं। ये देखो बादल देखो कितने सही लग रहे हैं यार। और आगे चले अपने भाई लोग, ये चेक करो गाइज यार इनके आगे देखो बादल कितने अच्छे लग रहे हैं भाई। अल्टीमेट व्यू लग रहा है मेरे को, बहुत ही ज्यादा अच्छा व्यू है, बहुत ही ज्यादा। बर्फ के बीच में छोटी सी दुकान है, तो यार अल्टीमेट भाई। पीछे देखो बर्फ कितनी है, और भाई लोग यहाँ पे गिटार के साथ फोटोज वगैरह क्लिक कर रहे हैं। तो यार भाई व्यू देख के ना दिल खुश हो गया। मिल गई बर्फ है भाई, मिली बर्फ, कैसा लग रहा है व्यू, कैसा है यहाँ पे देखो, वहाँ पे खतरनाक। शानदार। तो अभी हमने यहाँ से शॉर्टकट ले लिया है, आया सड़क से जाएंगे तो दूर पड़ेगा हमें, तो यहाँ पे जो ये कैफे टाइप है, तो भाई ने बोला कि यहाँ से जाओ शॉर्टकट, तो ये ऊपर निकलेगा कहीं। यहाँ पे नाम लिखता हूँ अपने चैनल का,
ये देखो इस चैनल को अभी जल्दी से सब्सक्राइब करो, बीमू व्लॉग्स। यस, में थोड़ी गड़बड़ हो गई है बट फिर भी कर दो सब्सक्राइब। यार बर्फ देखो कितनी ज्यादा है। यार भाई अब तो मतलब जमीन दिख ही नहीं रही है, कहीं पे बर्फ ही बर्फ। सो यार गाइस अब जो है ना बहुत ज्यादा बर्फ है, मतलब बर्फ ही बर्फ चारों तरफ। कोहरा तो नहीं है बट बर्फ है, पेड़ों पे देखो पीछे बर्फ। तो यार नीचे जो टर्न था ना, तो भाई पूरी सड़क पे बर्फ ही बर्फ थी। तो मैं दिखाता हूँ आपको, यार यहाँ से जो नीचे वाली चढ़ाई थी ना बहुत रिस्की थी, देखो कितनी ज्यादा बर्फ गिरी है यहाँ पे। नहीं जाना। चलो चलो आओ आओ। मतलब शॉर्ट लिया था हमने, अदरवाइज सड़क से आते तो तब लॉन्ग पड़ जाना था। तो भाई यार सबसे ज्यादा थक गए हैं। लुक एट द व्यू गाइस, एंजॉय द स्नो। यार यार देखो भाई कितनी ज्यादा बर्फ, मतलब जितने ऊपर जा रहे हैं ना उतनी ज्यादा बर्फ आ रही है। बर्फ ही बर्फ है यार। हुर्रे गाइस, कौन कौन बोल रहा था यार भाई स्नो ट्रिप करो, तो आपके लिए यार स्नो ट्रिप। एड्रेस छोड़ देना कमेंट में, मैं सबको भेज दूंगा थोड़ा थोड़ा बर्फ, जिसको जितना चाहिए, ज्यादा नहीं थोड़ा थोड़ा, आधा किलो या दो किलो उतना भेज दूंगा। बस कमेंट में एड्रेस छोड़ देना अपना। यार यहाँ देखो फुल पावर गाइस, बर्फ ही बर्फ यार, फुल मजे, बर्फ के मजे। यार भाई आप तो बोल रहे थे आगे नहीं जाना, आगे जाना भाई, फुल ऑन मजा, फुल ऑन। ये देखो ये हुर्रे, यहीं सो जाता हूँ थोड़ी देर। ये तो यार गाइस सीन ऐसा है ना, मतलब बर्फ में गिर के मतलब पिछवाड़ा गीला हो गया। ओ भाई साहब यार देखो क्या कर दिया मैंने बर्फ का हाल। लेट्स गो, हेलमेट भी हो गया यार खराब, देखो ये चक्कर हो। राइट साइड वाला पैर है ना वो पूरा गीला हो चुका है, बिल्कुल पूरा जूते में पानी घुस गया यार। सो मेरे लेसिस भी खुल गए हैं, तो लेसिस भी बांधने पड़े उनके ऊपर। यहाँ चेक करो क्या हुआ, गिर गए। चलो 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 कोई बात नहीं। सो गाइज यार अभी यहाँ से प्रेशर बच गया 2 किलोमीटर, तो यहाँ पे मतलब अभी धूप लास्ट टाइम मिलेगी हमको, इसके बाद कल ही धूप मिलेगी। वापसी में हम लोगों को अंधेरा हो जाएगा। सो यार गाइज लुक एट द व्यू, चारों तरफ देखो बर्फ ही बर्फ। यार यहाँ पीछे एक झील है ना वो पूरी जमी होगी, बट अभी हम लोग जा नहीं सकते क्योंकि टाइम बहुत कम है। तो नीचे देख सकते हो आप, मैं दिखाता हूँ आपको, तो नीचे ये जो झील है ना इसमें देखो बर्फ जमी पड़ी है बीच में। तो नीचे देखो यार, होप सो बंदे ठीक हो यार। ओमनी जो है नीचे चली गई है, ये देखो नीचे यार, सो सैड। मतलब नीचे से 4x4 गाड़ी आ रही है, बोलेरो कैंपर और जिप्सी आ रही है, मतलब जो 4x4 गाड़ी है ना वही आ रही है, बाकी कोई गाड़ी नीचे से अलाउड नहीं है, सो सैड। होप सो यार बंदे सही सलामत हो। गाइज फाइनली अभी हम लोग पहुंच गए प्राशर, और यहाँ से 200 मीटर की दूरी पे है, ये देखो पीछे है प्राशर झील में, आपका हार्दिक स्वागत है। तो अभी यहाँ से 100 या 200 मीटर है, तो अभी चलते हैं। यार भाई मतलब बहुत स्ट्रगल की है यहाँ पहुंचने के लिए, एक दो भाई तो यार पीछे से ही वापस हो रहे थे, तो हमने बोला कि भाई चलो चलो अब इतने तो आ गए हैं। आई थिंक हमने 10 किलोमीटर का ट्रैक किया है पैदल, और वो भी बर्फ में यार भाई साहब। तो भाई अब वहाँ तो पहुँचना ही है, तो आप लोग बने रहो। बस अब यहाँ से यार 200 मीटर बचा और फिर हम लोग पहुँच जाएंगे
तो आप लोग बने रहो व्लॉग में, और अभी तक अगर व्लॉग को लाइक नहीं किया तो लाइक करो और कमेंट भी कर दो प्यारा सा, और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। यार मैं नीचे इसलिए देख रहा हूँ क्योंकि नीचे देखो कीचड़ कीचड़ है, अगर गिर गया तो कपड़े खराब हो जाएंगे। ओके बने रहो व्लॉग में। प्राशर लेक तो यार मैं आप लोगों को पहले भी लेके आया हूँ, मतलब पहले भी मैंने यहाँ का व्लॉग बनाया है, बट यार स्नो में फर्स्ट टाइम है ये। चेक आउट द व्यू गाइस, यार सनसेट कितना प्यारा दिख रहा है वहाँ पे, वो चेक करो यार भाई। यही तो वो लोकेशन है जिसके लिए इतना स्ट्रगल किया। नीचे देखो जो मतलब आईलैंड जैसा है ना, तो उस पर भी बर्फ। यार झील के जो किनारे किनारे है ना वो जम चुके हैं। तो भाई कैसा लग रहा है आपको, आप फर्स्ट टाइम आए यहाँ पे? फर्स्ट टाइम आए यार भाई स्नो में। यार भाई व्यू चेक करो यहाँ पे भाई, कैमरा में उतना पता नहीं लगता बट भाई जो आंखों से मजा आ रहा है ना अल्टीमेट है। व्यू चेक करो पीछे। कैसा लग रहा है बर्फ में आके? फर्स्ट टाइम कि सेकंड टाइम? फर्स्ट टाइम आए आप भाई? भी यार फर्स्ट टाइम आया जब बर्फ गिरी है मतलब यहाँ पे। जितनी बार यहाँ आओ मतलब दिल नहीं भरता भाई कभी भी, उतनी अच्छी जगह लगती है मेरे को ये। यार ये जो आइलैंड है ना ये पूरी झील में घूमता है, और दिन में एक या दो बार मैंने अपनी आंखों से देखा है घूमते हुए, क्योंकि जब यहाँ पे मेला होता है ना तो हमारे देवता आते हैं यहाँ पे श्री सुखदेव ऋषि जी, तो तब हम लोग दो तीन दिन यहीं रहते हैं, और तब मैंने देखा है सुबह ये कभी यहाँ होता है कभी वहाँ पे, और शाम को कहीं और ही होता है, तो ये पूरी झील में घूमता है। अब मतलब जब से कोरोना है ना तब से इसने घूमना बंद ही कर दिया है, पता नहीं क्या सीन है। तो गाइस फाइनली यहाँ पर आश्रम में पहुँच गए, देवता जी के दर्शन कर लिए, और यहाँ पे थोड़े से वीडियोस घूमते हैं थोड़ा सा, और आप लोग बताना यार आपको ये जगह कैसी लगी, और कमेंट करके बताना कि आप लोगों को ये ब्लॉग कैसा लगा। तो यार लोकेशन देखो कितनी प्यारी है, अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फ गिरी है यार, यहाँ देखो आप लोग इतनी ज़्यादा बर्फ गिरी है। आई होप सो आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा, और यार कमेंट करके ये भी बता देना आप लोगों को मतलब ये लोकेशन कैसी लगी। तो मिलते हैं एक नए ब्लॉग में, चैनल पे नए हो तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब, ब्लॉग को करो लाइक कमेंट शेयर, तो मिलते हैं एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर गाइज़।